कई बार क्या होता है कि अच्छा अफसर आ जाए शहर में, शहर का विकास हो जाता है, सुंदर दिखता है, और एक आधा को नलायक आ जाए तो उसमें भी दिक्कत होती है। तो अभी एक बता रहे हैं कि गैंग आई हुई है, पब्लिक हेल्थ पे भी उसका असर है। तो वो एक बार पहले भी मैं आपके संज्ञान में लेके आया था कि कमीशन बहुत बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया, सरकार जो है इस भ्रष्टाचार के ऊपर ही मात खाती है। सीएम साहब का इधर ध्यान नहीं है, तो आपकी जानकारी में ला रहे थे कि थोड़ा देख लो जरा भ्रष्टाचार के जो है ना, वहाँ सारे रिकॉर्ड टूट रहे। आपने आज बताया है, शिकायत मेरे पास पहले भी आ रही थी, कौन है इसमें असली कसूरवार, फौरी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, रिजल्ट आपके सामने आएगा। वो कह रहे हैं कि सरकार जो है ना प्रेशर में आ गई, सारी बातें मान रही है। बैकवर्ड का जो क्रीमी लेयर का मामला था वो 6 लाख से 8 लाख कर दिया, मुख्यमंत्री ने कबीर कुटीर के दरवाजे भी खोल दिए, कहते जी बंद थे तो मुझे पता नहीं लेकिन अब खुले रहेंगे। तो मतलब सारी जनता की जो जितनी भी डिमांड्स थी, बातें थी, सरकार जो है उनको मानने पर लग गई। अब ऐसा है, जनता की जो जायज़ डिमांड है वो मानी जा रही है और माननी भी चाहिए। मेरे साथ इस वक्त हांसी के विधायक विनोद ब्याना है, नारगिल फोड़ा है। ब्याना साहब, आज लोग कह रहे थे कि बारिश आ गई, आज ब्याना साहब वाला कट्टा जो है ना वो दरा का दरा रह जाएगा। ना जी ना, दरा का दरा क्यों, हमारा तो शुरू से जिस दिन विधायक बने थे उसी दिन से नारियल फूटने लगे थे, दरा का दराया नहीं रह गया। अब रोजाना नारियल, क्योंकि बीच में हमें 3 महीने उसके आचार संहिता कारण हम शुरुआत नहीं कर पाए, हमारे बहुत से टेंडर लगे हुए थे, टेंडर ओपन भी हो गए मगर आचार संहिता आड़े आ रही थी। अब हमारे बहुत से करीब 25 करोड़ रुपए के, 25 भी नहीं करीब 30 करोड़ रुपए के, तो हमारे जो B&R के वर्क्स हैं वो हमारे सारे के सारे टेंडर हो गए, उनकी विधिवत शुरुआत भी आज से करने जा रहे हैं। आज सिसाई पुल से के पास जो हमारी रोड की हालत बहुत खस्ता है उसकी भी शुरुआत करेंगे। आज ये जो मेन रोड है इस इलाके का, इसकी शुरुआत की है, जो 1.3 करोड़ रुपये से बनेगी। इसी तरह से एक बैंक कॉलोनी में रोड है, वो मेरे ख्याल में आज तक बना ही नहीं, उसकी भी शुरुआत करनी है। 15 नंबर वार्ड में एक धर्मशाला के हॉल कमरे की शुरुआत करनी है। मेरा कहने का मतलब ये, अब विधिवत शुरुआत हो गई है और ये शुरुआत लगातार जारी रहेगी, रोजाना नारियल थोड़े। अच्छा, वो घोड़े भी इंतजार कर रहे हैं, तिरपाल ढका हुआ है, गर्मी उमस होगी, वो तिरपाल कब उतरेगा, मुहूर्त कब होएगा? ऐसा है, वैसे तो हमारा कार्यक्रम था इसका कल का, मगर अभी अभी मैंने अखबार में पढ़ा, विधिवत मैसेज तो नहीं आया, अभी अभी अखबार में पढ़ा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायक दल की मीटिंग बुला ली कल। अगर कल चंडीगढ़ जाना पड़ा तो फिर आके इसका वो करेंगे उद्घाटन, और अगर नहीं जाना पड़ा तो फिर कल ही। बीजेपी चुनावी मोड में तो आ गई, रोहतक में भी बड़ी बैठक थी, अभी अमित शाह बैठक ले रहे हैं, तो मतलब बैठकों में बैठ के चल रहे हैं। बिल्कुल, इलेक्शन को जब समय ही नज़दीक आ गया तो चुनावी मोड में, तो वैसे मैं कहा करता हूँ कि हम हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, जिस दिन चुनाव जीतते हैं अगले दिन से ही चुनावी मोड में आ जाते हैं हम। आप देखिए, कभी भी जनता से दूर नहीं हुए, जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं, उनका निदान का कार्य करते हैं। जहाँ तक डेवलपमेंट के कार्य हैं, लगातार 5 साल तक डेवलपमेंट के कार्य चलते हैं, हर डिपार्टमेंट के चलते हैं, तो हम तो हमेशा ही चुनावी मूड में रहते हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार जो है ना प्रेशर में आ गई, सारी बातें मान रही है। बैकवर्ड का जो क्रीमी लेयर का मामला था वो 6 लाख से 8 लाख कर दिया, मुख्यमंत्री ने कबीर कुटीर के दरवाजे भी खोल दिए, कहते जी बंद थे तो मुझे पता नहीं लेकिन अब खुले रहेंगे। तो मतलब सारी जनता की जो जितनी भी डिमांड्स थी, बातें थी, सरकार जो है उनको मानने पर लग गई। अब ऐसा है, जनता की जो जायज़ डिमांड है वो मानी जा रही है और माननी भी चाहिए। तो अब जैसा कि आपने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक बात पे बड़ा गौर करके जो वाकई जनहित के कार्य हैं वो जनहित के कार्य बराबर हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। आखिरी सवाल ये बड़ा साहब, कई बार क्या होता है कि अच्छा अफसर आ जाए शहर में, शहर का विकास हो जाता है, सुंदर दिखता है, और एक आधा को नलायक आ जाए तो उसमें भी दिक्कत होती है। तो अभी एक बता रहे हैं कि गैंग आई हुई है, पब्लिक हेल्थ पे भी उसका असर है। तो वो एक बार पहले भी मैं आपके संज्ञान में लेके आया था कि कमीशन बहुत बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया, सरकार जो है इस भ्रष्टाचार के ऊपर ही मात खाती है। तो सीएम साहब का इधर ध्यान नहीं है, तो आपकी जानकारी में ला रहे थे कि थोड़ा देख लो जरा भ्रष्टाचार के जो है ना, वहाँ सारे रिकॉर्ड टूट रहे। आपने आज बताया है, शिकायत मेरे पास पहले भी आ रही थी, कौन है इसमें असली कसूरवार, फौरी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, रिजल्ट आपके सामने आएगा। शुक्रिया बात करने के लिए विनोद बैना थे। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जितने भी जो भ्रष्टाचारी है उनको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो पब्लिक हेल्थ में हो या किसी और डिपार्टमेंट हो, कौन सी गैंग हो, कितनी बड़ी गैंग हो, उसको सरकार जो है बाहर करेगी। वीडियो पे खुल के कमेंट करें, शेयर भी करें, और आप देखते रहे एक मत पोस्ट होना चाहिए। अच्छा एक बात सुनो, अभी कर तो देंगे, मान लो बारिश आ गई तो दिक्कत हो जाएगी भाई। वो दिक्कत तो बारिश का रोड है, तो क्या हो साइड से करवा लो, सर स्कूल वाली साइड स्टार्ट करवा, काम उधर से शुरू कर दो, उधर पानी काम उधर से शुरू कर दो। ये लेवल नीचे है ना, यहां पानी पड़ता है वहां नहीं पड़ता, लेवल तो बड़ा बढ़िया है सारा, ये नीचे यार वो एरिया सही है, वहां से स्टार्ट कर लो भाई, टेक्निकली जो ठीक लगे, जो टेक्निकली ठीक लगे ना उधर से शुरू करवा दो। हमें ना कोई इधर से लगाओ है ना उधर से कोई, हमारा वो है, वो तो हमने शुरुआत भी वहीं से करनी थी।
मगर क्योंकि उधर पानी था इसलिए हम इधर आ गए। आपको टेक्निकल इधर से ठीक लगता है इधर से ठीक करवा दो, उधर से ठीक लगता है उधर करवा दो। बयाना से फिर रिक्वेस्ट हो रहे हैं, पानी की लाइन जा रही है मेन यहाँ पे, अगर ये लाइन अगर टूट जाएगी, जेसीबी ये बिना देखे चलाते हैं ये। अभी हमने पानी का कनेक्शन सब ने लिया 5-5 हज़ार भर के, गली बल बनवाते हैं तो जेसीबी चला देते हैं उसके अंदर बिना देखे, उनको बोलो तो कनेक्शन तोड़ देते हैं, हमारी जिम्मेवारी कुछ नहीं है। तेरी बात समझ गया मैं, ये ठेकेदार की जिम्मेवारी है। एक मिनट सुन तो ले, इसका जवाब दे रहा हूँ मैं। अपना प्लम्बर साफ रखना भाई, जो भी लाइन टूटे तुम्हारी जिम्मेवारी है, हाथों हाथ ठीक करवाना, यही बात, यही दिक्कत है बस। ये मानते नहीं है उस टाइम पे, उस टाइम मानते नहीं है ठेकेदार। बेटा बोल दिया ना तेरे सामने, बोल दिया। जिंदाबाद।